हेलो गाइस गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। जनरली आपको मालूम होगा, हमने अपनी कल की वीडियो में आपको अमेजोन नीश सिलेक्शन के बारे में बताया था कि कैसे आप अपनी अमेजोन वेबसाइट के लिए एक अच्छी परफेक्ट नीश सेलेक्ट कर सकते हो, वो भी अमेजोन की हेल्प से। लेकिन बात ये हो गई कि मुझे उस वीडियो के आगे और स्टेप बताने चाहिए थे, कीवर्ड सिलेक्शन के, टॉपिक रिसर्च के, और कैसे आपको काम करना है अमेजोन साइट पे इसके बारे में। लेकिन बात यह है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे पैसे कमाए जाते हैं और कैसे अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग करके काफी ब्लॉगर महीने का लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। ओके, तो आज मैं आप लोगों को अमेजोन एफिलिएट की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, बेसिक से लेकर के पूरी टॉप लेवल तक की, वो सभी चीजें बताऊंगा। और ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपका जो एफिलिएट मार्केटिंग वाला पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि एक अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट बना करके आप कैसे लाखों रुपए कमा सकते हो महीने का। ओके, तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट बनाओगे और क्या क्या चीजें उसमें करनी पड़ती है, कैसे उसमें आप अर्निंग करोगे, कैसे आप अपने आर्टिकल को लिखोगे और कैसे उन आर्टिकल को रैंक करा के अर्निंग करोगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले, आप में से जितने भी लोग न्यू हो, ठीक है, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अपने चैनल पे ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। ओके, और आज का जो मेरा वीडियो का लाइक एम है वो है 20 लाइक का। मैंने कल की वीडियो में 50 का रखा था और मैंने कहा था कि जब वो पूरे हो जाएंगे तभी मैं आगे के स्टेप पे जो वीडियो है बनाऊंगा। लेकिन आपका रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, 50 लाइक तो नहीं हुए लेकिन आपका रिस्पॉन्स अच्छा है, इसलिए मैं आगे के स्टेप को स्टार्ट करूंगा आने वाले कुछ टाइम में। ओके, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो पे आपको 20 लाइक करना है और जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ इसे आपको ध्यान से सुनना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। तो जनरली आपको मालूम होगा गाइस, अमेजोन जो है एक, जनरली ये समझ लो कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने जरूरत की चीजों को बाय करते हो। ओके, अब आप इतना समझो कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते होंगे आपके माइंड में जिन्हें जब आप बाय करने जाते हो तो उसके पहले आप उसके बारे में रिव्यू पढ़ना पसंद करते हो। आप जैसे कोई फोन बाय कर रहे हो या फिर कोई लैपटॉप बाय कर रहे हो या फिर कोई गेमिंग कंसोल या कुछ भी बाय कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में, ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि मैं उसको बाय करने से पहले उसके बारे में पढ़ लूं, समझ लूं कि ये जो चीज मैं बाय कर रहा हूं, ठीक है, ये कैसे काम करती है, इसमें मुझे क्या क्या चीजें मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, सभी लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जब जाते हैं तो गूगल पे वो सर्च करते हैं किसी भी टॉपिक को। जैसे हमने यहाँ पर सर्च कर लिया, जैसे मुझे एयरफोन खरीदना है तो हम यहाँ पर क्या सर्च करेंगे, बेस्ट एयरफोन्स, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो, बेस्ट 5 एयरफोन, ठीक है, अंडर 2000, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको सर्च कर दिया। अब सर्च करने के बाद हमारे पास क्या है, ये गूगल पे हमें कुछ वेबसाइट दिख रही हैं जिन्होंने टॉप 10 बेस्ट ईयरफोन्स को कवर किया है। उन्होंने बताया है कि कौन से टॉप 10 ईयरबड्स हैं जो 2000 रुपए के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी गैजेट जब बाय करते हैं, मान लो हमें एयरफोन बाय करना है या फिर एयरबड्स बाय करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जाकर के अमेजोन पे बाय नहीं कर लेंगे। या तो हम अमेजोन पे रिव्यू पढ़ेंगे या तो हम क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करके जो ब्लॉग्स हैं उन पे जाकर के पहले उसका पूरा नॉलेज ले लेंगे कि जो हम एयरबड्स बाय कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, क्या वो अच्छा होगा। अगर मैं उसके ऊपर 1000 रुपए 2000 रुपए स्पेंड कर रहा हूं तो वो 2000 में मुझे परफेक्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ओके, तो जनरली क्या होता है, इसी को एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का, मान के चलो आपकी कोई नीच है, ठीक है, जनरली अमेजोन पे आप जब जाओगे तो अमेजोन पे, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप अपनी नीच को सेलेक्ट करोगे, कैसे आप नीच से रिलेटेड प्रोडक्ट को निकालोगे। तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स पे, मान लो मैंने यहाँ पर हेडफोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूंगा, हेडफोन्स के ऊपर मैं कोई आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने टॉप 10 बेस्ट ईयरबड्स बताए। अब मैंने क्या किया, टॉप टेन बेस्ट ईयरबड्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में क्या हुआ, मैंने टॉप 10 ईयरबड्स बताए, उसके जितने भी फीचर्स हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी फंक्शन, जितने भी स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ अपने आर्टिकल में कवर किया। कवर करने के बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पर एक डायरेक्ट अमेजोन की लिंक दे दी, ठीक है, अमेजोन की लिंक एफिलिएट वाली, ठीक है। अब क्या होगा, जो यूजर गूगल पे सर्च कर रहा है टॉप 10 बेस्ट ईयरफोन या फिर ईयरबड्स, वो हमारे आर्टिकल पे आएगा,
हमारे इस आर्टिकल की जितनी भी नॉलेज उसे पढ़ेगा, पढ़ने के बाद क्या करेगा वो, अब इस जो भी प्रोडक्ट उसने पढ़ा है, जिसके बारे में उसने पढ़ा है, उससे वो जाके दोबारा अमेजोन पे तो सर्च करेगा नहीं, क्योंकि अमेजोन पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उसको इजी ये रहेगा कि अगर आप यहाँ पर कोई अमेजोन की लिंक दोगे या फिर अमेजोन का बटन दे दोगे, तो वो इसको डायरेक्ट क्लिक करके सीधे ही वो आपके अमेजोन प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा। और ये जो लिंक है ये एक एफिलिएट लिंक है। एफिलिएट लिंक मतलब होती है जब आप कोई प्रोडक्ट की एफिलिएट लिंक बनाते हो, ठीक है, और उसे दोगे, उसे अपने आर्टिकल में पोस्ट करते हो, और उसी लिंक को क्लिक करके आपका जो बायर है या फिर जो भी आपका यूजर जो आपकी वेबसाइट को रीड कर रहा है, जो भी आपके आर्टिकल को रीड कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, तो आपको उस एफिलिएट लिंक से जो भी सामान वो परचेज करता है उसका एक कमीशन मिलता है। ठीक है, इंडिया, यूएस या फिर अदर जितनी भी कंट्री हैं उनका एक कमीशन रेट फिक्स होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ कमीशन रेट हैं जो कि इंडिया के लिए है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप किचन के सामान की बात करोगे, ठीक है, जो कि किचन और घर के सामानों में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो या फिर फर्नीचर्स का ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें आपको 9% का कमीशन मिलता है। अगर आप फर्नीचर हो गया, आउटडोर हो गया, टूल्स हो गए, उन पे 9% का कमीशन मिलता है। ग्रोसरी, होम, बेबी, ठीक है, ऑटोमोटिव, गार्डन, स्पोर्ट्स, इन पे आपको 6% का कमीशन मिलता है। टेलीविजन, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं जैसे एयरबड्स हो गए, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन पे आपको 5% का कमीशन मिलता है। तो हर एक प्रोडक्ट का, हर एक कैटेगरी के हिसाब से एक फिक्स कमीशन रेट बंधा होता है। और अगर आप अपने ब्लॉग के थ्रू कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो जिसके ऊपर, जिसका रेट, मतलब इस प्रोडक्ट का रेट अगर $100 है, और वो $100 का प्रोडक्ट अगर यूजर आपके आर्टिकल पे जो आपकी लिंक है उससे क्लिक करके बाय कर लेता है, तो आपका उसका जो कमीशन रेट है, जैसे 5% इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होता है, तो आपको उसका 5%, मतलब $5 आपको इस प्रोडक्ट को सेल कराने का मिल जाएगा। ओके, तो इसे बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें क्या करना होता है, आप लोगों को बस अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करोगे, टॉप बेस्ट प्रोडक्ट, ओके, उनके ऊपर आपको टॉप 10, टॉप 20 या फिर टॉप 5 करके लिस्ट बनानी होती है और एक आर्टिकल कवर करना होता है। उसमें क्या होता है, आपको सारी नॉलेज शेयर करनी होती है और फिर उसमें एक अपना एक एफिलिएट लिंक वाला बटन दे देना होता है, जिससे यूजर आपके उस बटन को क्लिक करके डायरेक्ट अमेजोन पे जाकर के सामान बाय करे। और जब वो सामान बाय कर लेता है, तो अमेजोन एफिलिएट जो होता है वो आपको कमीशन देता है आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से। ओके, तो ये होती है पूरी एफिलिएट मार्केटिंग। अगर मैं इजी वे में बताऊं तो अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट को अगर आप सेल करवाते हो, मतलब आप बेचते हो या फिर बिकवाते हो, तो आपको उसका कमीशन मिलता है। जनरली बहुत से ऐसे मेथड हैं जो यूज करके लोग अमेजोन के प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं, लेकिन ब्लॉग एक ऐसा मेथड है, ठीक है, जो काफी सिंपल है। इसमें आपको ना तो पैसे लगाने हैं और ना ही आपको कुछ ज्यादा एक्टिविटी करनी है। बस आप जैसे नॉर्मल ब्लॉग लिखते हो वैसे ही आपको अपनी कैटेगरी के प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके उनके ऊपर टॉप 10, टॉप 20 करके एक आर्टिकल लिख लेना है, या फिर एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू आर्टिकल लिख लेना है और उसको रैंक कराना है। और जब वो रैंक कर जाएगा, जब उस पर व्यूज आने लगेंगे, तो वो सारे व्यूज क्या होंगे, आप में के जो बटन है उनको क्लिक करेंगे, और क्लिक करके अगर वो प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। ओके, तो ये सिंपल भाषा में है एफिलिएट मार्केटिंग। अब बात करते हैं प्रो टिप्स के बारे में, मतलब कुछ अलग चीज के बारे में, थोड़ा प्रो लेवल पे चलते हैं। तो जनरली मान लो जैसे हमारी कोई कैटेगरी है, ठीक है, अभी जैसे यहां पर आपने देखा मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आकर के हेडफोन्स की एक कैटेगरी को लिया, जैसे हमने हेडफोन ले लिया, ठीक है। अब आप सिंपल वे में समझो, यहाँ पर इतनी सारी कैटेगरी है, मान लो हमें कंप्यूटर पे जाना है, हम कंप्यूटर और टैबलेट्स को बेचना चाहते हैं, कंप्यूटर और टैबलेट की नीच के कुछ प्रोडक्ट हैं उन्हें सेल कराना चाहते हैं, जैसे हम लिनोवो के जो लैपटॉप्स हैं उनको सेल कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, टॉप 10 बेस्ट लिनोवो लैपटॉप्स, ठीक है, या फिर अंडर 20,000 या फिर 30,000 या फिर कुछ भी 50,000, 40,000, ऐसे करके एक आर्टिकल लिख लेंगे जिसमें टॉप 10 बेस्ट लैपटॉप बताएंगे लिनोवो के, और उसे रैंक कराएंगे, और जब उस पे व्यूज आने लगेंगे तो वो व्यूज क्या करेंगे, हमारी डाउनलोड लिंक से जब बाय करेंगे तो हमें इस लैपटॉप का जो भी सेल प्राइस होगा उसका जो भी कमीशन बनेगा, 5%, 10%, वो हमें कन्वर्जन के हिसाब से
हमें कमीशन मिलेगा और उसी से हमारी अर्निंग होगी। ओके, आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूँ, ये चार्ट आप देख लो, इससे आप इजिली समझ जाओगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पर देखो मैंने काफी सारे प्रोडक्ट लिख रखे हैं। ठीक है, ये एक कीवर्ड है। ठीक है, जनरली मान लो आप सबसे ऊपर वाला कीवर्ड ले लो, ठीक है, बेबी हाई चेयर। अब बेबी हाई चेयर पे जो कीवर्ड है ये, इस कीवर्ड पे 6000 का ट्रैफिक है। मार्केट का जो कन्वर्जन रेट होता है वो 1% होता है, मतलब 1% 6000 का 1% हुआ 6%, मतलब 60 हुआ 1%। ठीक है, तो मार्केट का जो कन्वर्जन रेट होता है, अगर 100 लोगों का आप सामान बेचने चलोगे तो 100 में से 1% लोग तो सामान को खरीद ही लेंगे। तो अगर 6000 व्यूज आपको मिलेंगे एक महीने में, तो उसमें से 60 लोग तो इजिली कन्वर्ट हो जाएंगे। अब 60 लोग जब कन्वर्ट हुए तो उनको अगर आप ये बेबी चेयर जो है ये अगर आप प्रमोट कर रहे हो और इसका प्राइस जो है वो 3000 के बीच में है, मान लो 2500 से 3000 के बीच में है, तो और उसका जो कमीशन रेट है वो कमीशन रेट है 9% का। ठीक है, तो आप इससे आइडिया लगा लो कि अगर आप 60 जो भी 60 लोग हैं वो 3000 का प्रोडक्ट अगर बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो 3000 का अगर मैं 9% निकालूं तो आप इजीली समझ जाओ मेरे हिसाब से 3000 का 300, यही 250 रुपए। तो 250 × 60 आप इजीली इसका पूरा निकाल सकते हो और इसका जो टोटल प्राइस होगा वो होगा 16200। मतलब जो 60 लोग आएंगे जो 3000 के प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो उसका जो मुझे कमीशन मिलेगा 9% के हिसाब से वो मिलेगा 16200 रुपए। तो ये एक एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे प्रो टिप है। ठीक है, जो भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग में साइट क्रिएट करते हैं वो पहले इस चार्ट को बना लेते हैं और इसमें सारे प्रोडक्ट जो वो यहाँ पर आके अमेजोन से सेलेक्ट करते हैं, अमेजोन के बेस्ट प्रोडक्ट जो भी होते हैं उनको जो सेलेक्ट करते हैं, उनको क्या करते हैं पहले इस चार्ट में लिस्ट करते हैं, उनका पूरा एक बायोडाटा बना लेते हैं कि जो हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं उन पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, फिर उस ट्रैफिक से कितना कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन होने के बाद उसका कितना सेलिंग प्राइस है, ठीक है, उसके बाद उस पर कितना कमीशन मिल रहा है और कमीशन के बाद उस पर कितनी अर्निंग होगी। जब आप लोग कोई भी प्रोडक्ट ऐसा प्रमोट कर रहे हो जिनपे आपको 10000 या फिर 5000 से ज्यादा की अर्निंग हो रही है तो उस पर काम करने में आपको ज्यादा अच्छा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि उस पर आपको काफी अच्छी अर्निंग होगी। और वहीं अगर आप 100-200 वाले प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, जैसे कि देखो ये है एक बेबी बिप्स करके कोई प्रोडक्ट है, नहीं ये प्रोडक्ट ले लो जैसे 500 वाला है, ठीक है, बेबी टूथब्रश। अब बेबी टूथब्रश पे 2900 का ट्रैफिक तो है, 1% कन्वर्जन के हिसाब से अगर ये प्रोडक्ट 200 रुपए का है तो इसका जो 9% अगर मुझे मिलेगा तो मुझे इसका 2% 20 रुपए कुछ मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो मेरा कन्वर्जन के बाद जो मेरी अर्निंग होगी वो 500 रुपए की होगी, जो कि कितनी अच्छी नहीं है। ओके, तो मैं ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करूंगा। अगर मुझे उस पर 10000 या फिर 4000 5000 से ऊपर की अर्निंग हो रही है तो मैं उन प्रोडक्ट को, उन कीवर्ड को टारगेट करके उनके रिलेटेड प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा और उनसे अर्निंग करूंगा। ठीक है, तो ये है एफिलिएट मार्केटिंग। इसके अलावा आपको मैं एक आर्टिकल भी समझा देता हूं। जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं, जैसे हमने कोई एक आर्टिकल, जैसे मेरा है ये बेस्ट गराज डोर ओपनर, ठीक है, ये यूएस के लिए था। तो इसमें क्या करता हूं, जब मैं कोई आर्टिकल लिखता हूं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको एक आर्टिकल फॉर्म में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, जो भी आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करोगे अमेजोन से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने पूरा बायोडाटा बना रखा है, मैंने टॉपिक लिया, टॉपिक बाद मैंने उसमें इंट्रो बताया, उसके यूजेस बताए, प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल्स हैं वो बताऊंगा और जितने भी टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं उनकी पूरी लिस्ट बना लूंगा और उन लिस्ट के हिसाब से उनके जितने भी प्रोडक्ट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसका इंट्रोडक्शन, बिल्ड क्वालिटी, क्वालिटी वारंटी गारंटी, फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स, ये सभी मैं शेयर करूंगा। ओके, इससे क्या होगा, मेरा जो आर्टिकल होगा ये परफेक्ट आर्टिकल होगा। अभी मैं आपको आर्टिकल के बारे में, कीवर्ड रिसर्च के बारे में, टॉपिक के बारे में सभी चीजें बताऊंगा। बस अभी आप इतना समझो कि मैं केवल आप लोगों को इतना बता दूं कि आपको कुछ नहीं, बस आप लोगों को इतना समझ लेना है कि एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी सामान को बेचना और फिर उसका कमीशन उठाना और उस कमीशन से अर्निंग करना। ओके, तो ये सिंपल भाषा में है एफिलिएट मार्केटिंग की डिफिनेशन। अगर आप अमेजोन के ऊपर काम करना चाहते हो तो मेरी आने वाली वीडियो को जरूर देखना। और आज की जो वीडियो है लंबी हुई है, अगर इसने मतलब जिसने भी ये वीडियो पूरी देखी है उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अमेज़न एफिलिएट के ऊपर। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।